दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,45,000 पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,45,380 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 60,491 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 41.60% पर पहुंच गया है। ये सभी आंकड़े मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक के हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 80,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,667 हो गया है, जिसमें 1,695 की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है। यहां अब तक 276 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,300 है, जिसमें 167 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के 55,00,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,47,000 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है।